दिस इज योर बेबी टिप, बोले तो बेसिक बम्पर टिप। दोस्तों आप कहीं पे भी ठहरे हुए हो, आपका ये जानना बहुत जरूरी है कि आपका नियरेस्ट रेलवे स्टेशन कौन सा है और वो रिलेटेड रेलवे लाइन जिस पर वो स्टेशन है वो कौन सी है। वो वेस्टर्न लाइन है, वो सेंट्रल लाइन है, वो हार्बर लाइन है, ट्रांस हार्बर लाइन है, या फिर वसई रोड से दिवा लाइन है। दोस्तों ये तो इतनी सारी बातें हो गई कि मुंबई लोकल ट्रेन से कम बजट में मरीन ड्राइव कैसे पहुंचा जाए, लेकिन अब बारी आती है मरीन ड्राइव की। तो दोस्तों चले क्या मरीन ड्राइव? Hi guys, thanks for tuning into our channel. This is I Speak Travel. My name is Himshika and you are watching a web series on tourism by Mumbai Local Trains. Hello दोस्तों, a very good morning. आज हम बात करेंगे कि मुंबई के किसी भी कोने से मुंबई लोकल ट्रेन से मैक्सिमम 3500 रुपए में मरीन ड्राइव कैसे पहुंच सकते हैं। दोस्तों यदि आप एक आउटसाइडर हैं और आप एक अच्छे बजट में मुंबई घूमने का प्लान कर रहे हैं और आप पहली बार मरीन ड्राइव जा रहे हैं या फिर आप पहली बार मरीन ड्राइव बाई लोकल ट्रेन जाना चाहते हैं तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों इससे पहले की वीडियो में आपने देखा कि मुंबई का बेस्ट टाइम एंड मनी सेविंग ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या है, जिसे हम मुंबई की फर्स्ट लाइफलाइन मुंबई लोकल ट्रेन्स कहते हैं। और हाँ दोस्तों, यदि आपने बाई चांस ये वीडियो मुंबई लोकल ट्रेन्स ओवरव्यू मिस कर दी है तो प्लीज इस वीडियो को जरूर देख लें। दोस्तों अब बात कर लेते हैं मरीन ड्राइव की, कि इन पांचों रेलवे लाइन में से किस लाइन का कौन सा रेलवे स्टेशन मरीन ड्राइव के लिए नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है। दोस्तों मरीन ड्राइव के लिए नियरेस्ट रेलवे स्टेशन मरीन लाइंस स्टेशन है, जो कि वेस्टर्न लाइन पर आता है। ये स्टेशन वेस्टर्न लाइन के लास्ट स्टेशन चर्च गेट से जस्ट पहले आता है। यदि आप मरीन ड्राइव वेस्टर्न लाइन से आ रहे हैं तो आप मरीन ड्राइव के नियरेस्ट रेलवे स्टेशन मरीन लाइंस पर उतरकर 8 से 10 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस के बाद मरीन ड्राइव पहुंच जाएंगे। अब साथ के साथ टिकट प्राइस की भी बात कर लेते हैं। यदि आप वेस्टर्न लाइन के एंड पॉइंट जो कि अब दहानु रोड है वहां से भी आते हैं तब भी आपका सेकंड क्लास का वन वे टिकट प्राइस सिर्फ 3500 रुपये होगा। दोस्तों अब बात कर लेते हैं सेंट्रल लाइन की। जैसा कि मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो मुंबई लोकल ट्रेन्स ओवरव्यू में भी बताया है कि सेंट्रल लाइन CST से कल्याण तक है और कल्याण से ये दो रूट्स में डिवाइड हो जाती है, कसारा एंड खपोली। कसारा नॉर्थ ईस्ट में आता है, खपोली साउथ ईस्ट में आता है। यदि आप कसारा, खपोली या कल्याण से आते हैं तो आपका किराया रेस्पेक्टिवली 3500 रुपये, 30 रुपये और 15 रुपये लगेगा। दोस्तों अब बात कर लेते हैं हार्बर लाइन की। जैसा कि मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो मुंबई लोकल ट्रेन्स ओवरव्यू में भी बताया है कि हार्बर लाइन CST से वडाला रोड के बाद टू रूट्स में डिवाइड हो जाती है, अंधेरी और पनवेल। अंधेरी मुंबई के वेस्ट पार्ट में आता है और इसे वेस्टर्न लाइन से जोड़ता है और पनवेल नवी मुंबई में आता है और यहाँ पर ये एंड हो जाती है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको छोटी सी टिप देना चाहती हूँ कि आप वेस्टर्न लाइन को महिम जंक्शन से भी ज्वाइन कर सकते हो। दोस्तों यदि आप पनवेल से आते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप CST से ही मरीन ड्राइव जाएं, और यदि आप हार्बर लाइन की ब्रांच लाइन पर किंग सर्कल स्टेशन के नियर बाई हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप इसी लाइन के दूसरे स्टेशन महिम जंक्शन से वेस्टर्न लाइन को ज्वाइन करके मरीन ड्राइव के नियरेस्ट रेलवे स्टेशन मरीन लाइंस उतरें। अब बात करते हैं टिकट प्राइस की। दोस्तों यदि आप पनवेल से CST पहुंचते हैं तो आपका किराया सिर्फ 20 रुपये लगेगा और यदि आप किंग सर्कल से मरीन लाइंस पहुंचते हैं तो आपका किराया मात्र 10 रुपये लगेगा। दोस्तों अब बात आती है कि आप चाहे कसारा से आओ या खपोली से या फिर कल्याण से और या फिर पनवेल से, आपका डेस्टिनेशन CST ही होगा। और अब आपको मरीन ड्राइव कितनी दूर पड़ेगा? दोस्तों जैसा आप मैप में देख रहे हो कि यदि आप CST से मरीन ड्राइव पैदल जाओगे तो आपको 20 से 25 मिनट लगेंगी। अब यदि आपके साथ लगेज है या फिर फैमिली है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप काली पीली टैक्सी से मरीन ड्राइव पहुंचें, जिसका डाउन चार्ज 22 रुपये है। दोस्तों CST से मरीन ड्राइव तक वॉकिंग या टैक्सी डिस्टेंस पर हम थोड़ा और डिस्कशन कर लेते हैं। यदि आपको लग रहा है कि CST से मरीन ड्राइव का डिस्टेंस कुछ ज़्यादा ही है तो आप सेंट्रल लाइन से दादर पर इंटरचेंज करके वेस्टर्न लाइन पर आ सकते हैं। लेकिन यदि हम बात करते हैं हार्बर लाइन की तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप CST से मरीन ड्राइव बाई वॉक या बाई टैक्सी ही जाएं। अदरवाइज आपको हार्बर लाइन से कुर्ला पर इंटरचेंज करके सेंट्रल लाइन पर आना होगा, देन सेंट्रल लाइन से दादर पर चेंज करके वेस्टर्न लाइन पर आना होगा। दोस्तों ये बात हो गई हमारी तीन मेन रेलवे लाइन्स की। अब बात करते हैं हमारी फोर्थ रेलवे लाइन ट्रांस हार्बर की। दोस्तों यदि आप ट्रांस हार्बर लाइन के नियर बाई एरिया में हैं तो आपको एक इंटरचेंज तो करना ही होगा। उसके लिए आप अपनी कन्वीनियंस के बेस पर थाने पर इंटरचेंज करके सेंट्रल लाइन पर या वाशी पर इंटरचेंज करके हार्बर लाइन पर आ सकते हैं। इसके लिए आपके CST तक के टिकट प्राइस सिर्फ 15 से 20 रुपये ही होंगे।
दोस्तों अब बात आती है हमारी फिफ्थ रेलवे लाइन की, जो कि दिवा जंक्शन से वसई रोड तक है। मरीन ड्राइव पहुंचने के लिए यदि आप दिवा जंक्शन पर हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप सेंट्रल लाइन फॉलो करें, क्योंकि आपका टाइम सेव होगा। लेकिन यदि आप भिवंडी पर हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप भिवंडी से वसई रोड पर वेस्टर्न लाइन ज्वाइन करके डायरेक्ट मरीन लाइन्स पहुँचें। यहाँ आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन आपको ज़्यादा इंटरचेंज नहीं करने पड़ेंगे। अब बात करते हैं टिकट प्राइस की। भिवंडी से वसई रोड का किराया 5 रुपये और वसई रोड से मरीन लाइन का किराया 15 रुपये लगेगा। दोस्तों मैं आपको एंड टू एंड स्टेशंस का टिकट प्राइस बता रही हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जैसे जैसे आपके नंबर ऑफ स्टेशंस कम होते जाएंगे, वैसे वैसे आपका किराया भी कम होता जाएगा। तो दोस्तों इस तरह आपने देखा कि हम मुंबई लोकल ट्रेन से किस तरह सिर्फ 35 रुपये में मरीन ड्राइव पहुँच सकते हैं। दोस्तों मुंबई लोकल ट्रेन से ट्रैवल करना जितना चीप एंड बेस्ट है, मीन्स आपका पैसा और टाइम दोनों सेव होता है, आपको जाम की प्रॉब्लम भी फेस नहीं करनी पड़ती। अब उतना ही आपका ये जानना भी जरूरी है कि आपके लिए मुंबई लोकल ट्रेन से ट्रैवलिंग के लिए बेस्ट आवर्स क्या होंगे। दोस्तों 11 बजे से 5 बजे तक आपको मुंबई लोकल ट्रेन के रश का सामना नहीं करना पड़ेगा, आप बहुत आराम से आ जा सकते हैं। दोस्तों अब फिर से क्वेश्चन आता है कि चलो डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए 11 बजे का टाइम तो ठीक है, लेकिन शाम के 5 बजे के बाद के टाइम का क्या करें। तो दोस्तों सीधी सी बात है, यदि आप इतनी दूर से मरीन ड्राइव आ रहे हैं तो आप सनसेट देखे बिना तो जाओगे नहीं, और सनसेट का टाइम विंटर्स में 5:30 से 6 बजे तक, समर्स में 7 बजे से 7:45 बजे तक, और मानसून में तो आपका लकी डे ही रहता है। यहाँ 10 बजे के बाद रश कम हो जाता है, आप अपने डेस्टिनेशन पर पहुँचने के अकॉर्डिंग यहाँ से चल सकते हैं। आपको CST और चर्च गेट से बनकर चलने वाली हर ट्रेन में सीट मिल जाएगी। दोस्तों अब बारी आती है बोनस टिप की। टिप नंबर 1, जैसा कि आप जानते हैं कि मरीन ड्राइव की लंबाई 3.7 किलोमीटर है। इसके एक एंड पर गिरगांव चौपाटी और दूसरे एंड पर नरीमन पॉइंट है। अब दोस्तों यदि आप एक बार मरीन ड्राइव पर हैं ना, तो इन दोनों प्लेसेस को एंजॉय करना हाईली रिकमेंडेड है। टिप नंबर 2, दोस्तों आप मरीन ड्राइव चरनी रोड रेलवे स्टेशन और चर्च गेट रेलवे स्टेशन से भी जा सकते हैं, क्योंकि यदि आप चरनी रोड रेलवे स्टेशन पर उतरते हैं तो आप मरीन ड्राइव के एक एंड पॉइंट पर होंगे, दैट इज गिरगांव चौपाटी, और यदि आप चर्च गेट उतरते हैं तो आप मरीन ड्राइव के दूसरे एंड पॉइंट पर होंगे, दैट इज नरीमन पॉइंट। टिप नंबर 3, दिस इज योर बीबी टिप, बोले तो बेसिक बम्पर टिप। दोस्तों आप कहीं पे भी ठहरे हुए हो, आपका ये जानना बहुत जरूरी है कि आपका नियरेस्ट रेलवे स्टेशन कौन सा है, और वो रिलेटेड रेलवे लाइन जिस पर वो स्टेशन है वो कौन सी है। वो वेस्टर्न लाइन है, वो सेंट्रल लाइन है, वो हार्बर लाइन है, ट्रांस हार्बर लाइन है, या फिर वसई रोड से दिवा लाइन है। दोस्तों ये तो इतनी सारी बातें हो गई कि मुंबई लोकल ट्रेन से कम बजट में मरीन ड्राइव कैसे पहुंचा जाए, लेकिन अब बारी आती है मरीन ड्राइव की। तो दोस्तों चले क्या मरीन ड्राइव। दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, उसे शेयर जरूर कीजिएगा, हिट करें सब्सक्राइब बटन को, इसे हिट करते ही एक बेल आइकन शो होगा, इसे हिट करना ना भूलें, इसे हिट करते ही आपको हमारे रेगुलर अपडेट्स मिलने लगेंगे। हम फिर आएंगे एक नई ट्रैवल टिप के साथ। गुड बाय, सी यू सून।